YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। उटारी रोड बाजार में बीजेपी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने फीता काटकर किया। इस दौरान मंत्री श्री चंद्रवंशी ने उटारी प्रखंड के कुछ गांवों का भी भ्रमण कर लोगों को मोदी सरकार के विकास कार्यों से भी अवगत कराया, साथ ही भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। क्षेत्र भ्रमण के दौरान सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने गांव की सड़क के विषय में पूछे जाने पर कहा कि सड़क का शिलान्यास हो चुका है। सड़क कुटमू से कादल तक 83 करोड़ की लागत से बनना है, मगर सड़क बनाने में जिनके जमीन है उनका मामला अटका हुआ है। उस जमीन का सर्वे कराकर बहुत ही जल्द जमीन के मालिकों को उचित मुआवजा देकर सड़क बना दिया जाएगा। इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरान में इससे जनता को क्या फायदा होगा? जनता को जागरूक कर रहे हैं, जो काम किया है उसका जो है फल मिलना चाहिए। हमारे मोदी जी ने घर घर में चूल्हा, घर घर में घर, सभी लोगों को देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया, बिजली देने का काम किया, और हमारी सरकार ने जो है रोड से लेके बच्चे को पढ़ाई लिखाई लेके सारा चीज़ काम किया है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पुल नहीं था, आपको कोयल में पुल बन गया, आपको ब्लॉक बन गया, सारा चीज़ व्यवस्था हो गई सरकार की ओर से, बीजेपी सरकार की। इसलिए हम चाहते हैं कि उसको जागृति करें और आने वाला भविष्य जो है मोदी जी के सपना को साकार करें। 400 सीट हम लोग कम से कम जिताकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, यही हमारी शुभकामना है। यहाँ का जनता का कहना है कि इस रोड का महीनों पहले शिलान्यास हुआ और अभी तक काम नहीं लगा है। बात सही है, उनका कहना सही है, हमने किया है शिलान्यास। बात यह है कि इसमें 84 करोड़ रुपया सेंक्शन है, इसमें 43 करोड़ रुपया जिसका जमीन जा रहा है, 1 रुपया जगह पर 4 रुपया देना है, उसके लिए सर्वे हम करवाया है, इसमें देर हो गई। 20 के बाद उन्होंने कहा है काम कर लगाने के लिए, अब जल्द ही काम लगेगा और काम पूरा होगा।